एचएल टीवी न्यूज। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया। अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री आज नीलोखेड़ी के गुरु ब्रह्मानंद पॉलिटेक्निक के प्रांगण में बने हेलीपैड पर पहुंचे और उन्होंने यहां नीलोखेड़ी के एचआईआरडी में पंचायती राज संस्थाओं के ट्रेनरों की परीक्षण कार्यशाला का उद्घाटन किया। करनाल में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हरियाणा निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है और विकास के काम तेजी से जारी हैं। उन्होंने कहा कि आज करनाल में 100 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्थानीय कोर्ट परिसर में वकीलों के 99 चैम्बर का उद्घाटन किया और इसके पश्चात रेस्ट हाउस भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने अधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। हरियाणा का हर जिला ये विकास के पथ पर है। हमारी जितनी भी नई योजनाएं हैं सब एक प्रकार से मूर्त रूप उनका आने लग गया है। सभी शिलान्यास जितने हम कर रहे हैं उसमें आगामी बहुत जल्दी जल्दी ये सारे काम पूरे होंगे। आज जैसे भी 3 परियोजनाओं का जिनकी कीमत लगभग 100 करोड़ रुपया है, जिसमें करनाल का एक बाईपास इस रूप में नहर के साथ साथ ही होगा और इसी प्रकार से त्रावड़ी विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक 4-लेन मार्ग बनाया गया है और नेवल से और गड़ी बीरबल तक एक इंद्री विधानसभा की एक रोड इसको इसका शिलान्यास हुआ है, वाइडनिंग उसकी की है और इस प्रकार के जितने भी यहाँ के काम है वो सारे प्रगति पर हैं। अभी और भी कुछ शिलान्यास होंगे वो आपको बाद में बताएंगे। करनाल से हलचल टीवी के लिए KCRI की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज़।